गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम एस पी गुप्ता फ्रॉम सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिथनिया। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, एज यू नो इन द प्रीवियस टॉपिक्स वी डिस्क्राइब्स सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूक्लिड डिविजन्स लेमा। प्रॉब्लम्स का टाइप था कि फाइंड द एस सी एफ ऑफ टू आर मोर देन टू इंटीजर्स एंड थ्री इंटीजर्स बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के हेल्प से, टू या मोर देन टू मीन्स थ्री, फॉर थ्री इंटीजर्स का एस सी एफ। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन बॉडी जनरेशन में आते हैं। सो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब कर दिया है, समझा भी दिया है, आई थिंक आपको इसको समझ भी गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइप सेकंड जिसको बोल रहे हैं, टाइप फर्स्ट में आपका वो आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के हेल्प से टू आर मोर देन टू इंटीजर्स का जो है एस सी एफ फाइंड आउट करना। अब आपका जो टाइप सेकेंड है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सेलेक्ट करके आपको डिसाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए है क्या, सो दैट एनी पॉजिटिव, ये मैं पॉजिटिव राइट कर रहा हूं, सो दैट एनी पॉजिटिव आर इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव आर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 आर बराबर, और 6³ + 3 आर, 6³ + 5, सो दैट एनी पॉजिटिव आर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5 वेयर क्यू इज, आपके मन में डाउट होगा क्यू क्या है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। सम इंटीजर्स का मतलब कोई होल नंबर, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू इज सम इंटीजर्स। देखिए बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब कर देंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बहुत ही इजी इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है क्या कि शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को जो 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5 फॉर्म में होगा। यहां पे आपको शो करके दिखाना है कि हमारा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो 6³ + 1 फॉर्म में होगा और 6³ + 3 फॉर्म में होगा और 6³ + 5 फॉर्म में होगा, वेयर जो क्यू है एक एनी इंटीजर्स है, एनी इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर से, जीरो होगा या पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, क्यू इज होल नंबर, आप इसको मान सकते। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप कोई आठ पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज करें, देखिए जनरल नहीं, पर्टिकुलर नहीं ले सकते कि कोई हम सर आठ पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 11 ले लें, यहाँ आप जनरल किसी इंटीजर्स के लिए दिखाना है, जनरल ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए दिखाना है। तो लेट ए, स्मॉल ए मैंने सपोज कर लिया, लेट ए बी एनी आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब आप अपनी स्वेच्छा से ही है, स्वतंत्र एक की वैल्यू भी हो सकती है, आर्बिट्री स्वेच्छा से
आप कुछ भी एक चीज यहां पर रख सकते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्री ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमने सपोज कर लिया। और हमें ए को ही दिखाना है कि ये जो ए है 6q+1 6q+3 6q+5 फॉर्म में होगा तो ये हमारा आर्ड बनेगा। अच्छा अब चलिए वी टेक बी इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा यूक्लिड डिवीजन सिलेबस से डिसाइड किया गया है कि एनी इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय बी कैन बी रिटेन एज बी क्यू प्लस आर वेयर, जैसा कि मैं आपको यहां डिस्कस कर दूं, ए कैन बी डिवाइडेड बाय बी इफ दियर एग्जिस्ट नॉन निगेटिव यूनिक इंटीजर क्यू आफ्टर प्रोसेसिंग रिमाइंडर आर। इसमें बोला गया यूनिक नॉन निगेटिव, ये यूनिक होंगे नॉन निगेटिव होंगे मतलब 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, होल नंबर ले सकते हैं। सच दैट देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस, अगर ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आएगा, जहां बी हमारा डिवाइजर है ए डिवाइडेंस है और आर की वैल्यू क्या है, आर जो हमारा है वो डिवाइजर से लेस होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट्स जैसा कि देखिए यहां पे हमने b इक्वल टू 6 राइट किया है, b इक्वल टू 6 लेने के पीछे रीजन क्या है, we take b इक्वल टू 6 because here we take b इक्वल टू 6 because form is 6q+1 6q+3 और 6q+5। हमारा जो फॉर्म है 6q+1 6q+3 या 6q+5 फॉर्म है, तो यहां इसको कंपेयर करिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 6q+1 को करिए, आर 6q+3 को करिए, आर 6q+5 को करिए, वहां से कंपेयरिंग करके देखिए तो बी के 6 से क्या 6 आ रहा। स्टूडेंट्स यहां पे कोई डाउट नहीं है कि हमने b इक्वल टू 6 क्यों लिया, आप कंफर्म कर चुके हैं b इक्वल टू 6 क्यों लिया, अगर हमारा 4q+1 देगा तो b इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2q+1 देगा तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्लियर। आप जानते हैं जब हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम फॉर्म में लेते हैं, जब a डिवाइड होता है b से ये हमारा कोएफिशिएंट और आफ्टर प्रोसीडिंग रिमाइंडर होता है, तो उसमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में डिस्क्राइब किया गया है कि जो हमारा ये रिमाइंडर है वो b से लेस होना चाहिए। ठीक है, रीड करने का तरीका ये है, आर को बीच में रखते हैं, आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन, देखिए आर के ऊपर ग्रेटर का सिंबल लगा है, ग्रेटर देन और ओवर लगा है इक्वल टू जो ये कंडीशन होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर फॉर आर बी इक्वल टू जब सिक्स लेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, देयर फॉर ए इक्वल टू 6q+, जब हमने b की वैल्यू 6 ले लिया तो हमारा a क्या बन जाएगा, इसके हेल्प से बी क्यू प्लस आर है तो a इक्वल टू 6q+r, वेयर r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर r लेस देन 6, यहाँ पे b की वैल्यू 6 है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। ए बी एनी आर्बिट्री आर फर्स्ट इंटीजर्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लेट लिखा गया, कोई डॉक्टर लेट नहीं सपोर्ट किया गया आपको। उसके बाद वी टेक जी के इंटीजर से होता है बी क्यू प्लस और फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से होता है,
तो बी की वैल्यू सिक्स क्यों ली जा रही है? इसके पीछे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्म है सिक्स की प्लस वन, सिक्स की प्लस थ्री, सिक्स की प्लस फाइव है, तो जो फॉर्म के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर रहे हैं एक और बी की प्लस आठ से, तो हमारे बी के प्लस सिक्स आ रहा है, तो बी के प्लस सिक्स हो गया, देयरफॉर एक और सिक्स की प्लस अब आठ हो गया। लेकिन उसमें उसमें कंडीशन क्या होती है कि जो आर की वैल्यू है वो बी से लेस होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो बी की जो आर की जो वैल्यू है बी की प्लस में सिक्स है तो लेस होगी सिक्स से, ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स होगी। अब इस रिजल्ट को देखिएगा, ये जो कंडीशन लगेंगे इस कंडीशन से हम आर की पास में वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करिएगा, फ्रॉम दिस सिंस आर लेस देन सिक्स बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हेंस पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर आर, इस कंडीशन से जो आर की पॉसिबल वैल्यू है वो क्या मिलेगी? देखिए आर की वैल्यू क्या है, सिक्स से लेस होनी चाहिए, ग्रेटर किससे होनी चाहिए और इक्वल किससे होनी चाहिए, जीरो के इक्वल भी हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो के इक्वल जीरो से ग्रेटर, बट लेस होगी सिक्स से, सिक्स से बड़ी नहीं हो सकती है, सिक्स भी नहीं हो सकती है, सिक्स से तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब आइए, व्हेन आर इज जीरो, यही हमारा कंडीशन है, व्हेन आर इज जीरो देन ए इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस आर के प्लेस पर जीरो पर कर दें, क्या हुआ ये सिक्स क्यूब, क्यूब हमारा क्या है, क्यूब हमारा जीरो वन टू थ्री फोर ही होल नंबर। अब डिटरमाइन करिए अब स्टूडेंट्स डिटरमाइन करें कि सिक्स क्यूब हमारी जो वैल्यू ए की आई है वो है क्या, जैसे मैं क्लियर करता हूं क्यू की प्लेस पे आप अगर जीरो फोर कर दो तो ए की वैल्यू होगी सिक्स इंटू जीरो, जीरो आ गई, जीरो को इवन माना गया, तो यहां पे ये इवन हो गया, देयरफॉर ए इक्वल टू सिक्स क्यूब, ये आपका क्लियर हो गया इवन। फिर अगेन आइए, व्हेन दूसरी कंडीशन आर इज वन देन ए इक्वल टू सिक्स क्यूब प्लस वन, अब देखिए क्यू की वैल्यू आई जीरो वन टू थ्री फोर, अब क्यू की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुटअप करते जाइए, फिर देखिए एक वैल्यू क्या रही, देयरफॉर ए इक्वल टू सिक्स इंटू, अब हम सिक्स क्यू प्लस वन को ही देखना है, सिक्स क्यू प्लस वन क्या बनता आठ बना दिया उसको हम डिटरमाइन करा देंगे, तो सिक्स इंटू जीरो फोर करेंगे जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन ये आया वन, सिक्स क्यू प्लस वन इज इक्वल टू, अच्छा वैन क्यू की जगह आप ले लीजिए पहले वन, तो सिक्स क्यू प्लस वन क्या बोला सिक्स इंटू वन प्लस वन, सिक्स प्लस वन ये हो गया सेवन, क्यू इक्वल टू टू पे डिटरमाइन करिए, सिक्स क्यू प्लस वन इक्वल टू सिक्स इंटू टू प्लस वन, क्यू के प्लेस पे टू राइट किया गया, तो ट्वेल्व प्लस वन ये कितना हुआ थर्टीन, सिक्स क्यू प्लस वन की जो वैल्यू है क्यू इक्वल टू थ्री पे चेक करिए, तो अब ये हो गया सिक्स इंटू थ्री प्लस वन एटीन प्लस वन ये क्या हुआ नाइनटीन। तो अब यहाँ से देख रहे हैं जो भी वैल्यू सिक्स क्यू प्लस वन फॉर्म में थी, जो भी वैल्यू सिक्स क्यू प्लस वन फॉर्म में थी जहाँ क्यू हमारा होल नंबर है, तो ये सभी वैल्यूज आठ प्राप्त हुई है वन सेवन थर्टीन
19, अब ये इस तरीके से 4, 5, 6 जो भी रखेंगे सब ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, देयरफॉर 62 + 1 इज 8। 62 कैसा आया आपको? इवन। 62 + 1 क्या आ गया? अब नेक्स्ट हम कंडीशन दो चेक कर चुके हैं, आर इक्वल टू 0 पे और आर इक्वल टू 1 पे। हमारे आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। और हम रिमेनिंग आर की वैल्यूज पे चेक करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी, वेन आर 0, 1 हो गया 2 पे चेक करते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू 62 + अब स्टूडेंट्स देखिए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं 60 + 2। ये जो फॉर्म है वेयर q इज 0, 1, 2, 3, 4, ये है क्या? तो चेक करिए q इक्वल टू 0 पे चेक किया गया, a इक्वल टू 6 × 0 + 2 0 + 2, ये क्या हुआ? तो q इक्वल टू 1 पे चेक करिए, a इक्वल टू 6³ + 2 फॉर्म है, तो 6 × 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 6 + 2 दिस इज 8। q इक्वल टू 2 पे चेक करिए, a इक्वल टू 6³ + 2 को चेक करना है, 6 × 2 + 2 + 2 ये हो गया 12 + 2, ये क्या मेरा 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे 2, 6, 14। नेक्स्ट आपका क्या है? 2 है, 8 है, 6 का डिफरेंस जा रहा है, 14। नेक्स्ट जब देंगे तो ये 20 होगा, 26 होगा, इस तरीके से आएंगे। तो ये सभी नंबर्स क्या है? इवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि a इक्वल टू 6³ मतलब 6³ इज द फॉर्म ऑफ इज ए इवन इंटीजर्स। देयरफॉर 6³ + 2 इज इवन। हमने 6³ को इवन दिखाया, 6³ + 1 को क्लियर किया, 8 हुआ, 6³ + 2 को इवन। अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ये है, बड़ा डिस्क्रिप्शन मिक्स भी हो रहा है क्योंकि हमारे पास आर की पॉसिबल वैल्यूज 6 मिल चुकी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इसको डिस्क्राइब करने में थोड़ा संभव है। आपको बस समझाने के लिए इस क्वेश्चन को हम बड़ा कर रहे हैं। फिर अगेन देखिए, वेन आर इज 2 पे चेक हो गया, 3 पे चेक करते हैं, ए इक्वल टू 6³ अब हम चेक करते हैं कि ये क्या वैल्यू आ रही है। तो क्यू इक्वल टू 0 पे पुट करके देखिए, ए इक्वल टू 6 × 0 + 3 भी होगा, क्यू इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, ए इक्वल टू 6 × 3 पुट कर देना है, +3 18 + 3 क्या हुआ आपका 1 पे, तो ये आपके 1 होंगे, 6 प्लस ये आपका हुआ 6 + 3 ये 9। q इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो a इक्वल टू 6 × 2 + 3 ये हो गया 12 + 3 इक्वल टू 15। स्टूडेंट देखिए जैसे जैसे q की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे, स्टार्ट देखिएगा 3, फिर 3 से 6 प्लस हुआ है 9, 9 से 6 प्लस हुआ है 15। तो अगर q इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे a इक्वल टू 6³ + 3 जो फॉर्म है उससे जो वैल्यू मिलेगा ये 6 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 3, 9, 15, 21, 27, 32, 33 ये सभी वैल्यू से आएगी। अब यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 6³ + 3 फॉर्म 8 है, देयरफॉर a इक्वल टू 6³ इज 8। क्लियर हो गया। अब हम कहाँ तक चेक कर चुके हैं? r इक्वल टू 3, 4, 5 पे भी चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करने के लिए मैं लिखा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। When r is 4, therefore a equal to 62 + 4।
ये आपका उस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे इवेन आ जाएगा। मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। व्हेन आर इज फाइव ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव होगा, क्यू की वैल्यू जीरो वन टू पे पुट किया जाए तो अगर क्यू इक्वल टू जीरो लेते हैं तो सिक्स इंटू जीरो प्लस फाइव क्या मिला आपका फाइव। क्यू इक्वल टू वन पे देखते हैं तो ए इक्वल टू सिक्स इंटू वन प्लस फाइव ये क्या है स्टूडेंट देख रहे हैं फाइव आएगा इलेवन आएगा सेवनटीन आएगा सेवनटीन से सिक्स आगे करीब वैल्यूज भी आएगा इस तरीके से मिले ये सभी वैल्यूज भी क्या मिली है। और तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं हमारा जो पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर आर की पास की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव स्टूडेंट्स की माइंड होगा कि सर आपने आर की वैल्यू की कैसे डिटेल माइंड कर लिया। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस जब आर होता है तो आर की कंडीशन होती है कि डिवाइडर से लेस लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब हमारा ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर था तो यहीं पर ये हमारे बी की वैल्यू है तो आर लेस देन सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो आर की वैल्यू सिक्स से लेस बट जीरो या जीरो से तो आर की पास की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव आ रही है। ये वैल्यू डिक्लेयर कर लीजिए। डिक्लेयर करने के बाद आप कंडीशन ले लीजिए जीरो पे वन पे टू पे थ्री पे। अब इसको अगर सिक्स क्यू को हम डायरेक्टली बोल देते हैं इवन है तो आपके मन में डाउट है सिक्स क्यू कैसे इवन है क्यू की वैल्यू किन टीजर क्यू की वैल्यू जीरो वन टू रख के आप सेटिस्फाई कर लीजिए लिखिए क्या इवन ही आएगा सिक्स। तो यहाँ पूरे डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं कि ए इक्वल टू सिक्स क्यू ये आपको इवेन मिला है ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन ये आर आया है ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस टू ये इवेन हुआ है ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस थ्री ये आर हुआ है ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फोर ये इवेन हुआ है ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव ये आर हुआ है। तो आर की कंडीशन ये अभी तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में दिख गया ए क्या था हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स था एनी पॉजिटिव आर इंटीजर्स था। सो हियर फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन वी गेट एनी आर पॉजिटिव इंटीजर्स इज आप फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव। सो वी प्रूव दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अगर इसको कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ एकदम सेम इसी पे रिलेटेड है उसको आप अपने से सॉल्व करिएगा सॉल्व करके जो है प्रयास दिखाइएगा कि हम सब सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन राइट कर लेगा क्वेश्चन है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2016 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। सो दैट एनी आर पॉजिटिव इंटीजर सो दैट एनी आर पॉजिटिव इंटीजर इज आप एकदम सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्क्राइब किया सेम स्टाइल पे है बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इज ऑफ द फॉर्म फोर क्यू प्लस वन आर फोर क्यू प्लस थ्री तो इसलिए सेम स्टाइल में ही आपको प्रूव करना है। मैं यहाँ पे बस थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि आप ए को एनी आर पास के लिए सपोज कर लेंगे और ए बी क्यू प्लस ऑफ फॉर्म सपोज कर लेंगे बी की वैल्यू फोर क्लियर हो गई है बी की वैल्यू फोर बी का रीजन दे देंगे फॉर्म इज फोर क्यू प्लस वन एंड फोर क्यू प्लस थ्री देयरफॉर ए इक्वल टू फोर क्यू प्लस आर कंडीशन होती है इसमें लिखी हुई कंडीशन लगती है डिफरेंट इंजेस लेवास के
कि आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आर लेस देन बी मींस को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेंस अब यहां से आप पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर चेक कर लेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, आर की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो आर इज लेस आर इक्वल टू 0 1 2 3 तक, 0 से लेकर के 4 से लेकर मतलब 3 तक जाएगा। अब उसके बाद कंडीशंस बनाएंगे, व्हेन आर इज 0 देन a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 0 मींस 4 क्यूब। अब इसको डिस्पैच कर लीजिए, q की वैल्यू 0 1 2 3 पुट अप कर लीजिए और देखिए ये वैल्यू क्या आती है, देखेंगे ये वैल्यू इवन आ जाएगी। व्हेन आर इज 1 पुट करेंगे a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1। अब इसको ये मत कह देंगे कि ये 4 की प्लस 1 या तो 8 का मान मत लीजिए। अब देखिए इसको q इक्वल टू 0 1 2 3 रखते हैं, जब q 0 पुट करेंगे a की वैल्यू 4 इनटू 0 प्लस 1 के अंदर 1, अगर हम q इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a की वैल्यू 4 की प्लस 14 की प्लस 1 और प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 क्या मिला 5। तो देख रहे हैं 1 5 उसके बाद 9 आएगा, तो ये सब वैल्यूज क्या 8 है, इसका यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है कि 4 क्यूब प्लस 1 इज 8 का। सिमिलरली अब इसको देखेंगे तो ये इवन हो जाएगा, ये भी आपका 4 क्यूब प्लस 3 8 का। जैसे मैंने आपका प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया उसके बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आपका मिस हो गया तो प्लीज़ इसका नेक्स्ट में आपको और बार डिस्कस करेंगे। तो राइट साइड